सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सब। सो गाइस, अगर आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप जो है अपने गेम्स की वीडियोस जो है अपलोड करते हो, गेम्स वगैरह जैसे कि पबजी हो गया, इस समय पबजी का क्रेज चल रहा है, तो बहुत सारे न्यू यूट्यूबर जो है अपना गेम खेलते हैं और पबजी गेम खेल कर वहाँ पर जो है अपनी वीडियोज को अपलोड करते हैं। बट एक जो है प्रॉब्लम आती है न्यू यूट्यूबर्स को, क्या आती है कि लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो न्यू हैं जिनके पास फ़ोन नहीं अच्छा है, जो लोग अपने जो है पबजी के अंदर जो है HD क्वालिटी के ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर सकते, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों का जो है HD सपोर्टर नहीं है फ़ोन, वो लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसकी जो है एडिटिंग कर सकते हैं एक ऐसे एप्लीकेशन में, जो कि बहुत ही आपको आसानी भी रहेगी। सारा कुछ मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे एडिटिंग करना है, और ये एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो से मिस ना करें। गाइस, मेरा नाम है सुब और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फायर डायरेक्टर डाउनलोड करके इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन आएगा, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये गैलरी में ले आएगा, आपको यहाँ से अपनी वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड ले लेनी है जो आपको एडिट करनी है, ठीक है। तो मैंने ये ले ली, उसके बाद आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ क्वालिटी इसकी ऐसी आपको दिख रही है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक बात समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ भी करने से पहले अगर आप इसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो पहले क्वालिटी ही बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कट लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ की क्वालिटी आप क्लियर कर लेंगे यानी कि बढ़ा लेंगे, और फिर यहाँ की वो ओरिजिनल ही रहेगी, फिर यहाँ की बढ़ा लेंगे। तो इससे अच्छा है आप पहले क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ताकि आप कहीं पर कट लगाएं तो आपको क्वालिटी का वर्क दोबारा से ना करना पड़े। तो सबसे पहले क्वालिटी इसकी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इस पिन पर क्लिक करना है, जो पिन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कलर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कलर पर क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स भी देखने को मिलेंगे, इनमें से अगर आप फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो दो फिल्टर बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, जिसमें कि एक नंबर में जो गर्ल छपी हुई है इसमें है ये वाला फिल्टर, ठीक है। और दूसरा जो है वो है यहाँ पर बैक आ जाते हैं, ये जो माउंटेन का ऑप्शन दिया है इसमें जाइएगा, और ये लंदन वाला ऑप्शन, ये जो फिल्टर है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। इसको आप जो है मैनुअली इसका कलर भी बढ़ा सकते हैं, तो कलर सेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, ब्राइटनेस आपको पहले नहीं बढ़ाना है, पहले ये दो ऑप्शन सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड ऑप्शन है आप इसे 100 ही रखिएगा, ठीक है, 100 बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये वाला थोड़ा घटा बढ़ा लीजिएगा, जितना आपकी मर्जी आपको सही लगे उतना कर लीजिएगा। मैक्सिमम मैं रखता हूँ 140 यानी कि 144 150 के अंदर ही रखता हूँ, ठीक है। अब आप ब्राइटनेस पर वर्क कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब इसे प्ले करके देखते हैं, तो कुछ इस टाइप से आपका जो ये वीडियो का लुक है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ओरिजिनल वीडियो को कलरफुल करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए वो भी बता देता हूँ। पहले इसको कर देता हूँ पैक, सब कुछ बैक कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है गाइस, ओरिजिनल हमारा ये वीडियो ओरिजिनल है जैसे पहले था। अब इसका इसी का जो है कलर कैसे बढ़ाना है, तो आपको इसी पिन पर जो ये पिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और कलर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कलर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो तीन लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है, और आपको सेम वही प्रोसेस करना है, लुक दिखेगा इसे, ये कुछ इस टाइप से आपका चलेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से ये चलेगा, ठीक है। तो इस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, जो आपका व्यूअर है वो आपकी वीडियो को देखना भी पसंद करेगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, अगर आप
अपनी वीडियो में दौड़ते ही रहते हैं तो व्यूवर जो है ज़्यादा नहीं देखता है। आप अपनी वीडियो में वो ज़्यादा दिखाएं जहाँ पर आप एनिमीज़ को किल करते हैं, ठीक है। थोड़ा दौड़िए, फिर पार्ट को कट कर दीजिए और फिर वो पार्ट दिखाइए जहाँ पर आप एनिमी किल करते हैं। लेकिन पार्ट को कट करने से एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं थोड़ा पार्ट बीच का कट करके दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बाइक चला रहा है और अब वो वाला पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ग्लो वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे प्ले करूँगा, ये मैंने प्ले किया और देखिए पता ही नहीं चला गाइस यहाँ पर कि हमने दूसरा पार्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें बहुत ही ध्यान में रखनी है। अब जो है आप इसमें म्यूज़िक का कैसे यूज़ करेंगे वो तो आपको पता होगा। मीडिया पर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, जहाँ भी आपकी म्यूज़िक है वहाँ पर जाके आप अपने म्यूज़िक का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं धड़ाके से। तो इस टाइप से आप अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने म्यूज़िक का जो है वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना है आपको, यहाँ पर रख देते हैं 3 बहुत हो जाएगा, 3, ठीक है, ओके कर देना है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं इसको प्ले करके कैसे दिखते हैं, ठीक है गाइस। इस टाइप से आप कोई भी म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। और इसे जो है एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो भी फाइल चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मेरे एक चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो जिसमें मैं कभी कभी गेम खेल लेता हूँ यार, तो उसमें भी वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ अगर मन करे तो। वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आई वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।